मैं तो कहता हूँ सभी टूट जाए। सर मैं तो इसको हटाने में नहीं सर बिल्कुल, फिर रोड थोड़ा कैसे होगा सर, कैसे पलेंगे? देखो पीछे गन भी लगा होगा, ये पेड़ भी कटेगा सर। एक चीज अभी हम बैठे हैं, कब से आपका ये अतिक्रमण है? हाँ भाई इसमें पानी आ रहा है, ये अतिक्रमण। देखो लोगों ने यहाँ कपड़े सारा कुछ यहीं पर है और ये ताला भी लगा रखा है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियोस के साथ। अभी मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के नंटाल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर के काठगोदाम एरिया स्थित नरीमन चौराहे पे। जो चौराहा दिख रहा है ये नरीमन चौराहा है, यहाँ से वीडियो की शुरुआत करूंगा। यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर निशानदेही हुई थी, काफी काम रुक गया था। यहाँ पर फिर से यहाँ पर कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी सारा कुछ बताऊंगा। अभी यहाँ पर एस्टिमेट बन गया है कि तोड़ने का, अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कार्रवाई होनी है। जो भी यहाँ पर अतिक्रमण है, रोड चौड़ीकरण का काम है, वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। जैसे स्टार्ट होगा वो भी लाइव कार्रवाई दिखाएंगे जेसीबी का, और यहाँ पर अभी क्या क्या टूटना है, कहाँ से स्टार्ट होगा सारा कुछ बताएंगे आपको। अगर आप चैनल में है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर लाइक कमेंट फॉलो करना। चलते हैं वीडियोज की ओर। आ रहा हूँ यहाँ पर, लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ। ये है नरीमन चौराहा और ये ऊपर को चली जाती है नैनीताल को, पहाड़ों को रोड, और यहाँ से ये बाईपास है रुद्रपुर बरेली दिल्ली और गोलाबार को रोड जाती है। और ये जो नीचे साइड की जो ये रोड है, ये रोड जाती है आपकी काठगोदाम हल्द्वानी शहर को, ये रोड जोड़ देती है। तो यहीं पर से वो कार्रवाई होनी है। और यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये पेड़ भी यहाँ पर हटना है और यहाँ से ये चौड़ीकरण होगा। आपको ये जितने यहाँ पर ये फ्रूट्स की दुकानें और ये पोल उग रहा, ये सारा कुछ यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर यहाँ तक ये पीछे तक यहाँ पर ये टूटना है। पहले भी मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था। और यहाँ पर देखो ये पानी का कनेक्शन भी है, पानी आ रहा है क्या इसमें? तो जरा खोल के देखते हैं। हाँ भाई इसमें पानी आ रहा है, इसमें आ रहा है पानी, टोटी है उसमें बंद है। और यहाँ से निशानदेही है और यहाँ से यह अतिक्रमण टूटना तय है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, जो ये पेड़ है, ये पेड़ भी यहाँ पर से टूटेगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक घन लग चुका है, वन भूमि ने यहाँ पर पेड़ पे घन लगा दिया और इसको भी तोड़ेंगे। और यहाँ पर देखो लोगों ने किस तरीके से ये अतिक्रमण कर रखा है। और यहाँ ये देखो ये बक्सा भी लोगों ने यहीं पर रखा हुआ है, पता नहीं ये जो सर्विस करते हैं वो, उनका बक्सा यहाँ पर है। और ज़रा यहाँ का ज़रा सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एक पेड़ के नीचे ये देखो एक पेड़ है, उसके नीचे ये देखो एक खमचा भी बना हुआ है, एक फिक्स है। आज तो यहाँ पर बने, देखो ताला लगाने वाला लोगों ने बना दिया है। ये नैनीताल रोड है, जस्ट यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहता है यहाँ पर, और उसके जस्ट में मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। देखो ये अतिक्रमण, देखो लोगों ने यहाँ कपड़े सारा कुछ यहीं पर है और ये ताला भी लगा रखा है। देखो ये नज़ारे हैं भैया, ये हाल है। किसका है ये? किसका? आपका है? यही तो मेरा है। अच्छा आज बंद क्यों कर रखा है? आज बंद मंगलवार सर, आज ये बंद रहता है। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ पर हटाओ बचाओ अभियान चल रहा है, कहाँ डालोगे दुकान सर? ये वो नरीमन में नीचे क्या करें सर, कहाँ जाएंगे गरीब? नरीमन चौराहे पर लगा दोगे? जी सर। अच्छा अच्छा, वहाँ लगा दोगे? मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अभी यहाँ कुछ दिन में कार्रवाई होनी है। ये जितना भी ये दिवाले उग रहे हैं, रोड चौड़ीकरण का यहाँ पर काम हो रहा है, तो फिर उसके बाद कहाँ लगाओगे आप? सर आप गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं जाएंगे, विकलांग आदमी है, कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे सर। अच्छा आपको हटाने के लिए कुछ बोला नहीं बोला अभी तक? रामी जी है बस, रघुवान जी का। अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री रामी जी तो यहाँ ISBT बना रहे हैं, रोड चौड़ा कर रहे हैं। सर सर बहुत बढ़िया, आप सहमत हो? सहमत हो इसको हटाने में? नहीं सर बिल्कुल, फिर रोड चौड़ा कैसे होगा सर, कैसे पलेंगे? देखो पीछे गन भी लगा हुआ है, ये पेड़ भी कटेगा सर। एक चीज अभी हम बैठे हैं, कहाँ बैठ पाएंगे सर? अच्छा अच्छा, कहाँ बैठ पाएंगे सर बताइए? अच्छा अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? मैं क्या कहता हूँ, मैं तो कहना सभी इस पे टूट जाए। अच्छा अच्छा, सभी क्यों टूटे? जहाँ जरूरत है वहाँ टूटे? ज्यादा ज्यादा टूटे सर। देखो कैसा है, थोड़े कहाँ है सर, ये सगाई नौकर, इनके बाबू सगाई नौकर सर, हमारे बाबू सगाई नौकर नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कब से आपका ये अतिक्रमण? नहीं हमारा सर ये जब तक बनाया, कम से कम हो गए सर 15 से 20 साल होने वाले हैं, तब से 20 साल से है, कब तक? 20 साल से ऐसी है खुमचा जी सर। अच्छा चलो सर, दादी उम्र में 40 साल से अच्छा। हाँ अभी यहाँ पर निशानदेही है, कुछ दिन के बाद यहाँ पर कार्रवाई होगी, रोड चौड़ीकरण होगा, यहाँ से पूरा ये जो जितना दीवार है सब टूटना है। तो आप कहाँ लगाओगे वो पूछ रहा था सर, ये वो तो अच्छा वहाँ पर लगाओगे? वहाँ पर आपने जगह देख ली? अच्छा अच्छा चलो बड़े, क्या क्या बेचते हो आप यहाँ पर? अच्छा आज तो मैं गलत दिन आ गया फिर। अरे चलो कोई नहीं, धन्यवाद। आप बेरोजगार हो तो गुटखा कहाँ से खा रहे हो? सर ये भाई लोगों ये है, ये लोग मैं खिलाता, मैं पालता हूँ। अच्छा आप पालते हो जी, चलो विकलांग आदमी तो पालेंगे यही। अच्छा अच्छा
चलो ठीक है फिर। तो गाइस पानी की टंकी भी बना रही है, देखो पानी भी आ रहा है इसमें, ठंडा पानी होगा ना ये देखो भाई, ठंडा पानी एकदम आपको देर से पानी आता है और यहाँ पर ये बना रखा है। तो अभी मैं थोड़ा आगे को दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखो ये नाले वगैरह ना बहुत यहाँ पर गंदगी रहती है, ये देखो ये साफ होना है, जब यहाँ पर ये टूट जाएगा तो बढ़िया तरीके से रोड बन जाएगी। ये पूरी दीवार यहाँ पर जानी है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का, ये पूरी दीवार की कार्रवाई यहाँ पर बहुत जल्द से जल्द होनी है। तो यहाँ पर जैसी कार्रवाई होगी वो भी दिखाएंगे हम आपको, और अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ कुछ दिन बाद यहाँ पर बुलडोजर चलना है। और यहाँ का ये जो ऊपर का मैं जरा दिखा रहा हूँ, यहाँ ये खाली कर दिया गया है, ये देखो मैं जरा ऊपर चल के दिखा देता हूँ, ये कार्यालय है। और यहाँ पर जो ये बाहर इन्होंने झाप उगरा डाला था ना, ये खाली पंखा रह गया है, ये सारा कुछ इन लोगों ने हटा दिया है। अभी कुछ दिन के बाद यहाँ पर ये कार्रवाई होगी तो उनको दिक्कत नहीं होगी। और जो ये पेड़ है ये भी उसकी जद में आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया हो जाएगा। पानी के नल वगैरह एकदम खुले हैं यहाँ पर, देखो इस तरीके से हैं। और वो साइड की दीवार भी जाएगी पूरा, जो वो साइड का मैं जरा लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये सारा कुछ भी यहाँ पर टूटना है। जैसे यहाँ पर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है, आप वीडियोज़ में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सदस्यता जरूर लेना, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पे प्रेस जरूर करना। जैसे यहाँ पर कार्रवाई होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको वीडियो को लाइव देख सकते हैं, आपको लाइव दिखाऊंगा। और अभी मैं यहाँ पर क्या क्या कार्रवाई होनी है, कहाँ कहाँ टूटना है, वो सारा कुछ दिखा रहा हूँ। देखो इस पेड़ पे भी यहाँ पर गल लग गया है, वन विभाग की टीम इसको भी जल्द से जल्द यहाँ से हटवाएगी। ये देखो ये नजारे हैं यहाँ के, ये दिखा दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ तक, ये देखो पूरा यहाँ से टूटेगा, ये ऊपर से नीचे तक, और नीचे की दुकानें भी सारा कुछ जाएंगी। देखो ये सामने देख रहे हो, पेड़ मोटा हो गया तो दीवार पूरी फट गई है यहाँ से, देखो ये भी पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। यहाँ आगे का क्षेत्र यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो एक जो ये पेड़ दिख रहा है आपको, इस पर भी घन लगा हुआ है, ये देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो इस पेड़ में भी घन लगा हुआ है, ये पेड़ भी यहाँ से हटना तय है। और यहाँ का जो चौराहा है एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पर बन जाएगा। जरा मैं नीचे चल के यहाँ का जरा क्षेत्र दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी यहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह है, अभी यहाँ पर विकास हो रहा है, ये देखो यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ पर एक टावर भी लगा हुआ है, ये देखो ये नया ही टावर लगाया है चौराहे के बीच में। और नीचे को यहाँ को चला जाता है, गोला का क्षेत्र आ जाता है, ये देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है। देखो यहाँ से आप पंथनगर, रुद्रपुर, बरेली, दिल्ली को यहाँ को जा सकते हैं आप यहाँ से। और इसके आजू बाजू का अतिक्रमण मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी जो ये गोला को जो ये रोड जाती है यहाँ पर भी काफ़ी अतिक्रमण है। सामने बस स्टैंड है यहाँ पर, ये देखे यहाँ पर बस वगैरह रुकेगी, और इसके बगल में देखो पूरा ही यहाँ पर नीचे तक यहाँ पर घेर रखा है। और ये साइड का भी, और ये साइड का नज़ारा ये है, और ये ऊपर को चले जाता है, वो सामने आप भदोनी देख रहे होंगे, भदोनी वाला क्षेत्र आ जाता है, और वहाँ पर एक मंदिर भी है, पेड़ पौधे हैं। और गर्मी के टाइम पर ना आजकल आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे तो यहाँ पर आपको ठंडा ठंडा लगेगा। और ये देखो काठगोदाम यहाँ से चालू हो जाता है, और यहाँ पर एक जायका रेस्टोरेंट करके भी है, इसका भी कुछ बाउंड्री जाना है। ये जो जायका होटल दिख रहा है आपको, इसका भी बाहर का गेट ये पूरा लगभग टूट जाएगा जब यहाँ पर चौड़ीकरण का काम होगा। यहाँ ट्रॉली में ना पूरा ये जा रहे, देखो जी मजदूर लोग जा रहे थे ट्रैक्टर में, पूरा बर्फ बर्फ, ऐसे भी जिंदगी होती है भाई। और काफ़ी व्यस्त चौराहा रहता है यहाँ पर, लाखों गाड़ियाँ एक दिन में आर पार होती है यहाँ पर, और काफ़ी व्यस्त एरिया है ये। ये देखो ये नज़ारे हैं यहाँ पर, ये गोलापार से रोड आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर चौड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, बढ़िया सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर लोग देखो बिना हेलमेट का भी जा रहे हैं, देखो ये बिना हेलमेट का जा रहा है वो लोग, ये देखो ये नज़ारे हैं। यहाँ से इसकी कार्रवाई होगी, जो ये हरा हरा कर गेट जो दिख रहा है आपको, यहाँ से कार्रवाई होनी है, यहाँ से सारा टूटना है। ये नज़ारे हैं यहाँ के, वो साइड का पूरा अतिक्रमण क्षेत्र है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सारा टूटना है। जाम की स्थिति बनी रहती है, एक कार अगर यहाँ रुकती है तो यहाँ पर ना बस नहीं निकल सकती है, देखो उधर से, और ये टेम्पो वाले जो है ना जहाँ तहाँ खड़ा कर देते हैं यहाँ को। देखो अगर दो गाड़ी यहाँ से आ गई, बिल्कुल भी ये लोगों को मतलब सब्र नहीं होता। देखो इतनी बड़ी बस है, इसको निकलने के लिए यहाँ पर काफ़ी जगह चाहिए। यही कारण है यहाँ पर ये जो चौड़ीकरण का काम हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती है ऊपर से पहाड़ों से भी आती है, नीचे से भी आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस वाले हमेशा रहते हैं ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए। अभी वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। यहाँ पर जैसे ही कार्रवाई होती है, मैं नरीमन चौराहे पर हूँ काठगोदाम का, जैसे यहाँ पर कार्रवाई होती है, जैसे यहाँ पर बुलडोजर चलता है, जल्द से जल्द बुलडोजर चलने वाला है, मिस बिल्कुल मत करना, सब कुछ दिखाएंगे हम आपको यहाँ पर। तो काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर की वीडियोस नहीं बनाई थी, अभी खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ पर इस्टीमेट बन चुका है तोड़ने का। तो मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा शेयर पहले करना, लाइक ज़रूर ठोकना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना,
अगर आप चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। तब तक के लिए नरीमन चौराहा काठगोदाम से बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।